हेलो एवरीवन वन नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है कई इस क्लास फिफ्टीन डिस्कस करने वाले हैं आज सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइनीस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग हाई क्वालिटी मैग्नीफाइंग लेंसेस यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एंटोनी वैन ल्यूवेन लुइस पाश्चर रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच ओके सो so, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग हाई क्वालिटी मैग्नीफाइंग लेंसेज बोल रहा है ठीक है यहाँ पे हाई क्वालिटी मैग्नीफाइंग लेंसेज यूज़ करके किसने डिस्कवरी किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सो so, यहाँ पे है करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट वन दैट इज़ एंटोनी वैन ल्युन वुक ओके दिस दिस इज़ अ क्या है लिवन वुक डिस्कवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज ये यूज़ किया था सिंपल सिंगल लेंस डिवाइस विथ ए गुड मैग्निफिकेशन ओके एंड ही डिस्कवर्ड प्रोटोजोवा एंड ऑल्सो इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप ये प्रोटोजोवा को डिस्कवर प्रोटोजोवा माइक्रो का डिस्कवर्ड किया था एंड ऑल्सो ये क्या किया माइक्रोस्कोप को भी इम्प्रूव किया था इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्लस्टर ऑफ पोलर प्लाजेला इज कॉल्ड ओके सो फर्स्ट ऑप्शन है लिपो ट्राइकस एम्पी ट्राइकस मोनोट्राइकस एंड पेरी ट्राइकस ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा काइस इसके पहले लिपोट्राइकस लिपो ट्राइकस वट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट सो इसका मतलब क्या होता है द फ्लाजेला आर प्रेजेंट इन इन दी फॉर्म ऑफ क्लास्टर एट ए वन पोल बिफोर दी इसमें जाने से पहले एक वर्ड आया फ्लाजेला सो फ्लाजेला मीन्स क्या होता है फ्लाजेला आर द माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन लोक लोको ठीक है ये एक माइक्रोस्कोपिक ये होता है माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोकोमोशन में हेल्प करता है मूवमेंट में हेल्प करता है ठीक है तो यहाँ पे पूछ रहा है पोलर फ्लाजेला क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लाजेला इज कोल्ड फर्स्ट है लोफी ट्रोकस ट्राइकस ओके सो द इसका मतलब क्या होता है द फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लास्टर्ड एट वन पोल सिंपली ये वन पोल में प्रेजेंट होगा ओके ओके यहाँ पे प्लाजेला जो प्रेजेंट होगा ओनली इन अ वन पोल ओके सो यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट सिंगल होगा ये नहीं बता रहा है इसमें प्लाजेला बहुत प्रेजेंट रहेंगे लेकिन सिंगल ही वन पोल में ही प्रेजेंट रहेगा नेक्स्ट है एम पी ट्राइकस एम्फी ट्राइकस इस, इसका मतलब क्या होता है वे न सिंगल और क्लस्टर ऑफ फ्लाजेला प्रजेंट एट बोथ एंड ओके गाइज इसमें बोथ एंड दोनों एंड में प्रेजेंट होगा आ इधर वो सिंगल प्रेजेंट होगा और आ इधर ये एक से ज़्यादा ठीक है इसमें फ्लाजेला प्रेजेंट होगा ये कहलाता है एम्फी ट्राइकस ओके नेक्स्ट थर्ड वन है मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस दैट मीन्स वेन ए सिंगल पोलर प्लाजेलम इज प्रेजेंट ऑन ए बैक्टीरिया ओके सो यहाँ पे सिंगल प्लाजेलम प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है पेरी ट्राइकस पेरी ट्राइकस दैट मीन्स When flagella are lateral and surrounded whole surface of the bacteria, okay. इसमें flagella जो present होगा इसमें सारे तरफ प्रेजेंट होगा ओके okay. जिस तरह से all round. क्लियर तो दैट इज कॉल्ड पेरी ट्राइकस सो यहाँ पे क्लस्टर और पोलर फ्लाजेला इज कोल्ड बोल रहा है तो so इसमें करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट वन लोफो ट्राइकस ठीक है next question depending upon their oxygen requirement and metabolism bibro cholera species are obligate aerobes facultative anaerobes obligate anaerobes and micro uh, aerophilic okay depending upon their oxygen requirement bol rahe, okay, met, uh, एंड मेटाबोलिज्म बिब्रियो कोलेरा स्पीसीज आर सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गाइज करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकेंड वन फैकल्टेटिव एंड एरोस ओके सो बिब्रियो कोलेरा आर एरोप्स एंड फैकल्टेटिव एंड एरोब्स फैकल्टेटिव एंड एरोप्स इज ए ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म ए एटीपी ओके बाय एरोबिक रेस्पिरेसन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट इट इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग टू किस्मी एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ओके ये दोनों में स्विच कर सकता है एरोबिक एंड एंड एरोबिक दोनों में तो दैट इज अ फैकल्टेटिव एंड एरोबिक क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन दी स्टेशनरी फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्ब एक्सेप्ट फर्स्ट ऑप्शन है सेल शो यूनिफॉर्म एंड रेगुलर स्टेनिंग नेक्स्ट ऑप्शन सेल शो प्रेजेंस ऑफ इंट्रा सेलुलर स्टोरेज ग्रान्यूल्स नेक्स्ट स्पोस आर सीन लास्ट वन एक सो टॉक्सिन आर फोम्ड ओके सो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो फॉलोविंग स्टेशनरी फेज ऑफ बैक्टेरियल ग्रोथ कर्व गाइस बैक्टेरियल ग्रोथ कर्व में जितने भी फेजेस होते हैं लोक फेज लैक फेज स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज ठीक है तो यहाँ बात हो रहा है स्टेशनरी फेज का हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट लास्ट वन ठीक है लास्ट वन एक्सट्रोटोक्सिन आर फॉर्म दिस वन हैपन इन अ स्टेशनरी फेज स्पोर्ट आर सीन दिस वन वॉल्सो हैपन सेल्स प्रेजेंस इन इंट्रा सेलुलर इस Storage granule, this is also happened. Cell so uniform and irregular staining, guys. This one is a not happen in a stationary phase. So, correct answer is here. First one that is a cell so uniform and regular staining. Next option. Next question: the division of bacterial cells are exponential, increase in their number are indicative of which phase. Okay. गाइस दिस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गाइस ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया हम, हम हमने ऊपर में बताया है ओके दिस क्वेश्चन पूछा गया था एम्स बीपीएल नर्सिंग ऑफिसर 2018 में ओके okay? सो so, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन देयर नंबर ठीक है आर इंडिकेटेड विच फेज लाइक फेज स्टेशनरी फेज फेज ऑफ डिक्लाइन और लॉगरिदमिक फेज ओके सो so, यहां पे है करेक्ट आंसर आपका लोगेरेडमिक फेज ओके करेक्ट आंसर इज अगेरिदमिक फेज नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए लेबोरेटरी कल्चर मोस्ट ह्यूमन पैथोजन ग्रो बेस्ट अट ठीक है लेबोरेटरी कल्चर में अगर ह्यूमन पैथोजेंस का ग्रो किस कितना डिग्री टेम्परेचर में आ, देखने को जितना डिग्री टेम्परेचर में इसके लिए ग्रोथ होता है किस में किसका ह्यूमन पैथोजेंस का ओके थर्टी टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ओके नेक्स्ट है फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट है थर्टी एट टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेल्सियस ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वन दैट इज अ थर्टी टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस सी जो कि एज ह्यूमन बींग ओके नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट कितना थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग का टेम्परेचर कितना होता है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज अ मैजोरिटी ऑफ ह्यूमन पैथोजन ग्रो एट दिस टेम्परेचर ओके इफ द टेम्परेचर गेट होट इनफ जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है इसे तब क्या होता है ऑर्गेनिजम का आर डी नेचुरेटेड एंड स्टोम फंक्शनिंग ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर फर्स्ट वन दैट इज अ थर्टी टू थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोविंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन bacteriology okay joule newton micron and pascal correct answer is here third one micron okay and one micron is equal to one thousandth of millimeters okay one thousandth of millimeters and it is the unit used in a bacteriology okay guys this is also important next question nutritional uh, dependent

ओके okay, ऐसे बैक्टीरिया जो कि किसी न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है तो हीट्रोट्रॉप्स करेक्ट आंसर यहाँ पे है हेट्रोट्रोप्स का मतलब क्या होता है डू नॉट मेक देयर ओन फूड सो देअर डिपेंड ऑन अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे गाइस नेक्स्ट है ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स मींस की दे मेक देयर ओन फूड ओके एंड केमोट्रॉप्स केमोट्रॉप्स दैट मीन्स यूज केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर फूड फोटोट्रॉप्स यूज फोटोसेंथेटिक पिगमेंट टू प्रिपेयर अ फूड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्स आर कॉज्ड बाय दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन आ चुका है प्रोटोजोवा फंगस वायरसेस एंड बैक्टीरिया करेक्ट आंसर हियर थर्ड वन दैट इज अ वायरसेस ओके वर्ट्स आर कॉमन इट इज़ अ बेनाइन स्किन ट्यूमर कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन okay, with a human papilloma virus, hpb. okay, and this uh, virus is belong to the uh, dna virus group, okay? and uh, these words can occur most frequently between the age group of 12 years and 16 years. next question. an example of type uh, intravenous hypersensitivity is Arthritis reaction, tuberculin type reaction, atrophy anaphylactic reaction okay so here correct answer is a uh, b1 tuberculin type reaction okay this is a cell mediated reaction and it is initiated by the t lymphocyte and uh, mediated by effector okay and uh, T cells and microphages okay and it is takes about uh, 48 to 72 hours or longer time period and after contact with the antigen okay next question antibiotics sensitivity is usually done on blood agar myconi agar uh, Millier hinton agar and chocolate agar correct answer is a uh, b1 करेक्ट आंसर इज थर्ड वन दैट इज अ मिलियर हिंटन अगार नेक्स्ट क्वेश्चन चिक टेस्ट इज यूज इन कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ ओके चिक टेस्ट जो होता है वो किस डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है चिक टेस्ट ओके ट्यूबरकुलोसिस डिप्थीरिया को सिप्लिस को और स्कारलेट्स फीवर को यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वन दैट इज़ अ डिप्थीरिया ओके सो गाइस चिक टेस्ट जो होता है वो इंट्राडर्मल टेस्ट होता है जो कि यूज इन असेस दी इम्यून स्टेटस ऑफ अ पर्सन पर ससेप्टेबल टू तो डिप्थीरिया ठीक है इसमें इम्यून सिस्टम पर्सन के इम्यून सिस्टम को ससेप्टेबल करने के लिए कौन सा पर्सन जो कि डिप्थीरिया के ससेप्टिबल पर्सन होते हैं उसके इम्यून सिस्टम की स्टेटस को यहाँ पे असेस करने के लिए किया जाता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके बिटवीन दी स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी ओके अगेंस्ट दी डिप्थीरिया टॉक्सिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दी ग्रोथ ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज ठीक है यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ रहा है किसके लिए ग्रोथ ऑफ बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके ग्रोथ के लिए क्या है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस फोर्टी टू डिग्रीस गई इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं होते हैं और इसके पहले भी एक आया था जो कि रेंज में था और यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा है ओके सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा थर्ड वन थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट अनरिएबल मेथड ऑफ स्टिलाइजेशन इज सनलाइट ड्राइंग हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन ओके यहाँ पे पूछ रहा है कि मोस्ट अनरिलेबल मेथड स्टेलाइजेशन का पूछ रहा है ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन दैट इज़ ए सनलाइट सन लाइट जो है गाइस इट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ इस्टेलाइजेशन ठीक है एंड माइक्रो इसमें क्या होता है माइक क्रोबिसाइडल एक्टिविटी इज इ ड्यू टू प्रजेंस ऑफ यू भी रेस ओके सनलाइट में जो यू भी रेस प्रेजेंट होता है इसकी वजह से माइक्रोब्स जो है वो क्या हो सकता है डेड किया जाता है माइक्रोब्स uh, इसमें माइक्रो माइक्रोबिसाइडल्स एक्ट करता है इसमें सनलाइट एंड इट इज नॉट स्पोरी साइडल मतलब स्पोर को ये किल नहीं कर पाता है माइक्रो ऑर्गजन को किल करता है बट स्पोर को नहीं किल कर पाता है चूँकि इसीलिए कि स्पोर को ये किल नहीं करता है इसीलिए इसको पूरी तरह से स्टराइज़ प्रोसेस नहीं कहा जाएगा किसको सनलाइट को नहीं कहा जाता है सो इट इज़ मोस्ट अनरिलेबल रिलेबल मेथड इसीलिए इसको अनरी रिलेबल मेथड कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिथल इफेक्ट ऑफ मोइस्ट हीट इज ड्यू टू कटिंग यहाँ पे लिथल इफेक्ट पूछ रहा है किसका लिथल इफेक्ट मोइस्ट हीट का ओके एंड इट इज ड्यू टू कटिंग ऑफ ऑफ न्यूट्रिय सप्लाई डैमेजिंग ऑफ डी एन ए डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स और टॉक्सिक टू माइटोकॉन्ड्रिया ओके सो यहाँ पे मोइस्ट हीट जो है वो किल करता है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय Denaturing their proteins okay and uh, as it causes proteins and enzyme to lose uh, their apna structure wo lose kar deta hai okay so yahan pe moist heat jo hota hai theek hai moist heat so ye kya karta hai moist heat uh, kill uh, करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस पोसेस से बाय दी डी नेचुरेसिंग देर प्रोटीन ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन डी नेचुरेशन ऑफ दी प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन द एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी पूछ रहा है और किसका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एंड ये किसकी वजह से ड्यू टू फर्स्ट है सेल वॉल ग्लाइको लिपिड आई मीनो ग्लाइकोसाइड्स और लिपो पोलिसकराइड्स ओके सो यहाँ पे करेक्ट uh, आंसर होगा करेक्ट आंसर डी वन दैट इज अपो पोलिसकराइड ओके गाइज लिपो प्रोटीन जो होता है आर द टॉक्सिन रिलीज ऑन सेल वॉल एंड डिस्ट्रैक्शन बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद इन इट्स ओन सेल ठीक है क्या करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वहाँ से लिपो प्रोटीन जो होता है एंड इट यही लिपो प्रोटीन जो है वो क्या करता है खुद यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कोज करता है ओके एंडोटॉक्सिसिटी के रूप में वही काम करता है लिपो प्रोटीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर इस्टेलाइजेशन इज़ ओके ऑटोक्लेव में जो इस्टेलाइजेशन किया जाता है उसमें प्रेशर कितना आ, कितना पौंडस का सेट किया जाता है ओके फिफ्टीन पॉइंट फाइव पॉइंट टेन पौंड और ट्वेंटी एल बी और पौंड ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फिफ्टीन आई बी ओके दैट इज़ द फिफ्टीन पौंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्यूनोगब्यूलिन फाउंड इन मदरस ब्रेस्ट मिल्क इज ओके मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कौन से इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाए जाते हैं आई जी ए आई जी एम आई जी डी आई जी ई करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट वन दैट इज आई जी ए नेक्स्ट क्वेश्चन विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिफाइंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू थाउजेंड फिफ्टीन में भी आ चुका है क्लोस्टेडियम स्टेफाइलोकोकस एंड मेनजो कोकल सो विडाल टेस्ट जो है वो किस किस चीज़ को किस बैक्टीरिया को ये आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है करेक्ट आंसर यहाँ पे है सलमोनेला टाइफी नेक्स्ट क्वेश्चन इन मैजोरिटी ऑफ द केसेस द कोजिटिव ऑर्गेनिजम फॉर सोर थ्रोट इज गोनोकोका इस टेफाइलो कोकाई मेनिंजो कोकाई और स्टेप्टो कोकाई ओके okay, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं माइजोरिटी ऑफ दी केसेस दैट कोजेटिव ऑर्गेनिज्म सोर थ्रोट के लिए कौन सा यहाँ पे कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है ओके okay. करेक्ट आंसर यहाँ पे है फोर्थ वन स्ट्रेप्टो कोकाइज गाइस अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके ताकि गाइस आप क्या कर सको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ अपने एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन द वैक्सीनेशन वॉज़ फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ना सॉल साल्क एडवर्ड जेनर लुइस पास्चर एलेक्जेंडर फ्रेमिंग करेक्ट आंसर ही सेकेंड वन एडवर्ड जेनर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके गाइस, थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच